हेलो, गुड मॉर्निंग। यूट्यूब चैनल मैथ्री क्षितिज में हम लोग कवर कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। और इसके हम लोगों ने तीन कॉन्सेप्ट समझे हैं। आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ठीक है। मतलब जो हम लोगों ने तीसरा जो कॉन्सेप्ट सीखा था ना, उसी से रिलेटेड, ठीक है ना। तो आज का ये कॉन्सेप्ट तीसरे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखो, मतलब कि क्या कहता है कि जब भी रेट और टाइम के बारे में बात करता है ना, तो एस आई और सी आई के अंदर वो अंतर पूछता है, मतलब डिफरेंस पूछता है, ठीक है। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने यही मतलब यही वाली बात सीखी थी। वहाँ पे मतलब रेशियो में बात हम लोगों ने सीखा था कि भाई रेशियो अगर पूछ ले तो आंसर कैसे बताना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे डिफरेंस के बारे में बात करेगा। चलो देखो, एक एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है ना। देखो, जैसे हमको रेट दे दे 10%, ठीक है। टाइम दे दे 2 ईयर्स और 2 साल का सी आई और एस आई का अंतर पूछे, ठीक है। अब देखो, 2 साल का सी आई और एस आई का एक फॉर्मूला भी होता है, सी आई टू माइनस एस आई टू इक्वल्स टू पी आर बाई 100 होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग आखिरी में प्रूफ करेंगे वो ये कैसे आता है। तो ये तो हो गया 2 साल के लिए, ठीक है। अब देखो, अगर वो 3 साल के लिए बोलता है ना, तो उसके लिए फॉर्मूला होता, लेकिन ये फॉर्मूला तब होता है, देखो, आर बाई 100 का होल स्क्वायर आर बाई 100 प्लस 3। ठीक है ना। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, खाली 3 साल के लिए ये एक्स्ट्रा टर्म इसमें जुड़ जाती है, ठीक है। हम लोग इसको आखिरी में प्रूफ करेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब हमें प्रिंसिपल गिवन होगा, यानी मूलधन हमें दे रखा होगा ना क्वेश्चन में, ठीक है ना। तब हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई मूलधन वगैरह नहीं दिया है, खाली हमें रेट और टाइम दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में मूलधन मतलब प्रिंसिपल दिया हो, तो हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है डायरेक्ट, ठीक है। अगर टाइम नहीं दे रखा हो, दो ही टर्म दे रखे ना पी और आर, तो ये वाला अप्लाई कर दो सीधा, ठीक है। अब देखो, रेट 10% दे रखी है और टाइम कितना दे रखा है 2 ईयर्स, ठीक है ना। तो देखो 10% कितना होता है हमारा, 1/10। मैंने इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हम समझाया था कि भाई प्रिंसिपल को कैसे मानना है, जो नीचे बेस में होता है उसका स्क्वायर कर दो। रेट का कितना, बेस 10 है, तो पी को कितना मानना है 100। चलो पी आ गया हमारा 100। तो एस आई और सी आई की बात कर लेते हैं। पहले साल के लिए 100 का कितना, 10%, 10, ठीक है। तो सी आई भी 10 होगा, 1 साल का एस आई और सी आई बराबर होता है, ठीक है ना। चलो देखो, सेकंड ईयर का एस आई भी सेम होगा और 100 तो मिलेगा ही मिलेगा सी आई में, ठीक है। लेकिन प्लस किसका, इसका 10% भी मिलेगा, कितना हो गया 10, ठीक है। तो ये कितना हो गया 200, ठीक है, सॉरी ये 10 होगा, 1000 नहीं है, पी हमें 100 है, ठीक है ना। मैंने 1000 के हिसाब से निकाल दिया, ठीक है ना। तो ये कितना है हमारा, पी 100 है, 100 का 10% 10, ठीक है ना। तो ये हो गया 20 और ये हो गया 21। तो देखो, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है हमसे क्वेश्चन में, तो कितना हो गया 1, आंसर आ गया ना, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन में पूछेगा कोई 2 साल का सी आई और एस आई का अंतर बताओ। अब देखो, एक और एग्जांपल समझते हैं। रेट दे दे वो, जैसे मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में, कॉम्प्लिकेटेड जब रेट दे दे, मतलब हमें फ्रैक्शन नहीं पता उसका, ठीक है ना। डायरेक्ट हमें मतलब कुछ एग्जैक्ट वैल्यू अपने आप में दे दे वो, यानी 8%। टाइम दे दे जैसे 3 साल, तो 3 साल का सी आई और एस आई का अंतर बताओ, क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, ठीक है। अब देखो, जब भी ऐसे पूछे तो रेट क्या है, 8% है ना। तो क्या करना है ऐसे टाइम पे, हमेशा पी को क्या मानना है 100। मैंने इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में ये बताया था, ठीक है ना। जब भी रेट एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए ना, तो पी को हमेशा 100 मानना है,
ठीक है, तो देखो एस आई और सी आई कितना, 100 का 8%, 8 हर साल 8 होगा, ठीक ना, ये भी 8 8 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पहले साल तो एस आई और सी आई बराबर होगा 8 और 8, लेकिन सेकंड ईयर इसका कितना 8%, तो 8% कितना हुआ, 8 का अगर 8% निकालेंगे तो क्या आएगा, 0.64 आएगा ना, तो देखो 0.64। अब देखो इसमें निकालो, पहले इसका निकाल लो, इस वाले ब्याज का 0.64, ये वाला क्वेश्चन जस्ट पहले वाली वीडियो में भी मैंने बताया था, फिर इसका निकालो 0.64, फिर इसका निकालो 0.0512, ठीक है। तो देखो अब क्या एक्चुअल में क्या डिफरेंस ही तो पूछ रहा है वो, तो डिफरेंस क्या है, देखो ये चीज़ तो कॉमन है, 8 8 8 8 8 8, ठीक है ना, लेकिन डिफरेंस क्या है, यही तो है डिफरेंस, अलग यही तो है, क्वेश्चन में यही तो पूछा है उसने, भाई डिफरेंस बताओ। तो इसको ऐड कर दो, ये क्या आ जाएगा, 1.9 समथिंग कुछ ऐसा आ जाएगा आंसर, तो हमें आंसर इस तरह से बताना है। वहाँ पे हम लोगों ने इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में खाली रेशियो देखा था, भाई इन दोनों का रेशियो पूछ ले तो वो वाला बताना है, ठीक है। देखो एक और एग्जांपल देखते हैं, दो और 3 साल के लिए ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में ज़्यादातर। देखो एक और एग्जाम्पल, मान लो रेट वो दे दे हमें 12.5%, ठीक है, टाइम दे दे 2 ईयर्स, और क्या कहे वो कि 2 साल का सी आई टू और एस आई टू, ठीक है, फाइंड, तो क्या ज्ञात करना है हमें, 2 साल का सी आई, ठीक है ना, 2 साल का सी आई ज्ञात करना है हमें। अब देखो हमें रेट क्या दे दी, 12.5%, यानी 1/8, ठीक है ना, ऐसे टाइम में पी को क्या मानना है, हमेशा जो बेस में आता है उसका स्क्वायर, यानी कि क्या मानना है, पी को 8 का स्क्वायर यानी 64 हमें मानना है, ठीक है ना, माना, चलो 64 मान लिया, पी कितना है 64, तो हमारा एस आई और सी आई की बात करेंगे। चलो यहाँ पे कितने साल की बात हो रही है, 2 साल की बात हो रही है, चलो 2 साल के लिए, ये फर्स्ट ईयर के लिए, ये सेकंड ईयर के लिए, 2 साल के लिए देखते हैं, ठीक है। अब देखो पहले साल 64 का 8%, एक सॉरी 1/8 कितना हो जाएगा, 8, तो एस आई हर साल बराबर, सी आई पहले साल बराबर एस आई के, और दूसरे साल 8 तो मिलेगा ही मिलेगा, 64 का 1/8 तो मिलेगा ही मिलेगा, इन क्या मिलेगा साथ में, इसका 1/8, ठीक है ना, और 8 का 1/8 कितना होता है, 1, तो देखो दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, यही तो आ रहा है अंतर, ये तो कितना हो गया 16, ये 17, ठीक है, अंतर कितना आ गया, 1, ठीक है ना, यहाँ तक तो यहाँ पे ये रुपए नहीं है, ठीक है ना, हमें यूनिट लेके चल रहा है, तो अंतर कितना आ रहा है, 1 यूनिट। अब देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 2 साल का सी आई और एस आई का अंतर दे रखा है, ऑलरेडी दे रखा है, कितना दे रखा है, 2 साल का सी आई और एस आई का अंतर 17 रुपये, और देखो 2 साल का, ये 2 साल का तो है, 1 और 2 2 साल का ही है, ठीक है ना, लैंग्वेज पे ध्यान रखना, 2 साल का लिखा है यहाँ पे, मतलब ये दोनों साल काउंट होंगे, ठीक है, अगर वो बोले सेकंड ईयर का तो सेकंड ईयर का बोलेंगे, दूसरे साल का देखना पड़ेगा, अगर वो बोले कि पहले साल का, ठीक है, तो पहले साल का देखना पड़ेगा अंतर, पहले साल में कोई अंतर नहीं आता तो पहले साल का वो बोलेगा नहीं, ठीक है ना, वो हमेशा सेकेंड ईयर के लिए बोलेगा, यानी दूसरे साल का अंतर, तो दूसरे साल का अंतर कितना होगा, खाली दूसरे साल का देखना पड़ेगा कितना, 1 अंतर है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है उसने हमसे कि 2 साल का, तो 2 साल का कितना हुआ टोटल, 16 और 17, ठीक है ना, तो 2 साल का ये अंतर कितना आ गया, 1। अब 1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना है, 17 रुपये, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है, सेकेंड ईयर का सी आई पूछा है, दूसरे साल का सी आई, दूसरे नहीं 2 साल का, ठीक है ना, 2 साल का सी आई पूछा है, तो देखो 2 साल का सी आई कितना है, 17 है,
ठीक है ना, 17। अब दूसरे साल का पूछे, देखो यहाँ पे समझो, 2 साल का बोला है तो 2 साल का पूरा कितना, 17। 17 को जब 1 की वैल्यू 17 है तो 17 की वैल्यू 17 को 17 से गुणा कर दो, 289। लेकिन अगर वो बोले दूसरे साल का, सेकंड ईयर का, तो क्या निकालना है, सेकंड ईयर का कितना है खाली, 8 + 1 9 तो है, तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करना है खाली, 17 से, ठीक है ना। अगर वो बोले फर्स्ट ईयर का, तो पहले साल का सीआई कितना है, 8, तो 8 की वैल्यू निकालनी है, 8 को 17 से मल्टीप्लाई करना। तो देखो इस तरह के पैटर्न वाले क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है वो, है ना। उसके लिए लैंग्वेज का ध्यान रखना है हमें कि उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो इस बार रेट वो दे दे, जैसे हमें जो फ्रैक्शन में पता है ना, वो इस तरह से ही मतलब रेट देगा हमेशा, टाइम वो दे दे हमें, सॉरी वो कहेगा 3 साल का Ci3 - Si3 गिवन है कितना, 570, और हमसे वो इस बार पी पूछेगा, ठीक है। उसने एक चीज़ गिवन दे दी, मतलब 3 साल का अंतर दे दिया, ठीक है ना। Si3 और Si3, मतलब 3 साल का जो ब्याज है ना, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, उसका अंतर दे दिया कितना, 570। तो देखो चलो रेट, अब रेट हमें दे रखी है ना, तो रेट से हम लोग पहले पी मानते हैं, तो रेट कितनी है, 16 बटा, अब ये कितना है, मैंने याद किया है 1/6, याद कराया ना, 1/6 होती है। चलो रेट आ गई 1/6। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो 3 साल दे रखा है, ठीक है ना, 3 साल के लिए बोला है, तो 3 साल के लिए मैंने क्या याद कराया कि जो बेस होगा उसको क्या करना है, क्यूब। जब हम पी मानते हैं ना, पी मानेंगे तो क्या करना है, 3 साल के लिए क्यूब करना है। चलो तो इसके लिए क्या करना है, क्यूब, 6 का क्यूब, तो पी कितना आ गया हमारा, 216। 6 का क्यूब होता है ना 216, चलो पी कितना हो गया हमारा, 216। तो ऐसा ही सीआई टेबल से, अब 3 साल के लिए बोला है तो 3 साल के लिए सॉल्व करेंगे। देखो ऐसा ही 216 का कितना, 1/6 कितना होगा, 36। तो देखो 36 36 36, 3 साल तो बराबर रहेगा ना ऐसा ही। तो चलो अब सीआई की बात करते हैं, पहले साल दोनों बराबर, अगले साल भी 36 मिलेगा, अगले साल भी 36 तो मिलेगा मिलेगा। अब देखो ये तो सेम है, ठीक है ना, बस ध्यान देखिए ना, ये रखना है कि इस 36 का कितना, 1/6, ठीक है, कितना होगा, 6, ठीक है। अभी इस वाली लाइन में देखो एक एक का निकालते जाओ, कितना इसका, 1/6, 6, ठीक है, इसका 1/6, 6, ठीक है, इसका 1/6, इसका नहीं निकालना, सॉरी इसका निकालना है, ठीक है ना। हमें खाली जो पिछला ब्याज दे रखा है ना उसका ही निकालना है, ठीक है ना, ब्याज पर ब्याज, और इसका 1/6 यानी 1, ठीक है। अब देखो अलग क्या है, अंतर कितना है, ये जो अलग डिफरेंस, ये जो अलग वैल्यू आ रही है ना, यही तो अंतर है, बाकी देखो दोनों में ये 36 36 बराबर है, ठीक है ना। खाली अंतर कितना है, 18 और 1 19, ठीक है। अब देखो अंतर तो आ गया दोनों का, 3 साल का साधारण ब्याज का अंतर कितना आ गया, 19 यूनिट, मान लो इसको रुपये नहीं मानना है ना, क्योंकि हमें रुपए में कुछ और गिवन दे रखा है। चलो 19 यूनिट की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी दे रखी है, 570, ठीक है, 570। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 570 19 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 30। अब उसने क्या पूछा है क्वेश्चन में हमसे, पी की वैल्यू पूछी है, अब पी की वैल्यू कितनी है, 216 है जो हमने मानी है, मतलब माना, तो हमें ठीक है ना 216 की वैल्यू निकालनी है। अब जब 1 की वैल्यू आ गई तो 216 की वैल्यू निकाल लेंगे, कुछ नहीं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सिक्स सेवन
6480, ठीक है ना। ए की वैल्यू आ गई तो पी की वैल्यू कितनी, 216। 216 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, तो हमारा आंसर आ गया पी। ये एक्चुअल में आया है, रुपए में आया, ठीक है ना। तो देखो क्या दे रखा था हमें, रेट दे रखी थी और 3 साल का जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा था, और हमसे क्या पूछ लिया, प्रिंसिपल पूछ लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करना है। अब देखो इसको सॉल्व, मतलब अगर ये प्रिंसिपल हमें दे दे ऑलरेडी, ठीक है ना, और रेट दे दे, ठीक है, तो हम लोग ये इस फॉर्मूले से ये निकाल सकते हैं 570, ठीक है। देखो चेक करते हैं, चलो इसको बाद में देखते हैं ना, पहले ये वाला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अब देखो ये वाला फॉर्मूला कब काम आता है, पहला वाला देखो प्रूफ, ठीक है ना, कि जब भी प्रिंसिपल और रेट हमें गिवन हो तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। लेकिन ये आता कैसे है वो समझो, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 साल की बात हो रही है ना, फॉर 2 ईयर्स, खाली इसका प्रूफ याद नहीं रखना, खाली हमें मतलब ये फॉर्मूले याद रखने, ठीक है। ये वाली चीज़ तो तब थी जब हमें प्रिंसिपल नहीं पता, रेट और टाइम के साथ क्वेश्चन पूछ ले तब, और ये वाला अप्लाई करना है जब प्रिंसिपल भी हमें दे रखा हो, ठीक है ना। देखो ऐसा ही क्या होता है हमारा पी आर टी बाई 100, ठीक है, और ये हमारा ऐसा ही हो गया ये सी आई। तो 2 साल के लिए ऐसा ही कितना होगा, 2 ईयर्स के लिए पी आर 2/100। चलो ऐसा ही की बात करते हैं, देखो सी आई का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अमाउंट का क्या होता है, पी 1+R/100 का होल स्क्वायर, ठीक है, और सी आई कैसे निकालते हैं हम, ए माइनस पी, ठीक है ना। देखो अमाउंट पी 1+R/100 जो ब्रैकेट में, उसे सॉल्व करेंगे हम लोग। ये क्या है, 1+A+B का होल स्क्वायर, अंदर वाली टर्म तो क्या होगा, A² + B² + 2AB, ठीक है। चलो 1+2R/100+R²/100 ये आ गया, P को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, P+2PR/100+PR²/100, ठीक है, ये 100 का स्क्वायर नीचे भी। चलो और इधर देखो अमाउंट क्या था हमारा, सॉरी अमाउंट की जरूरत नहीं इधर, ठीक है ना, इसे तो हमें डायरेक्ट इधर ऐसे टू दे रखा है। अब देखो इधर अमाउंट आ गया, पर सी आई टू कैसे आएगा, ए माइनस पी करने पर, ठीक है ना, ये तो हमारा अमाउंट आ गया और ये सी आई टू निकालेंगे, ये हमारा फॉर्मूला होता है ना ब्याज निकालने का। चलो इसमें पुट कर दो जो वैल्यू आई है ना हमारी अमाउंट की, पी 1+2PR/100+PR²/100 का होल स्क्वायर माइनस पी, ठीक है, पी से पी कैंसिल आउट, ये बच गया कितना, 2PR/100+PR²/100, और इधर एस आई टू कितना है, 2PR/100। अब क्या निकालना है हमें, खाली ये तो निकालना है, दो ये वाली टर्म निकालनी, सी आई टू माइनस एस आई टू, मतलब 2 साल का अंतर ही तो निकालना है। तो देखो इस वाली टर्म में पुट कर दो दोनों की वैल्यू, पहले ये वाली 2PR, एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी दोनों में से, तो देखो हमारा क्या आ गया, PR²/100, ठीक है ना, यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, PR²/100 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर है यहाँ पे भी, ठीक है ना।
तो ये वाला फॉर्मूला तब अप्लाई करना है जब हमें अमो प्रिंसिपल दे रखा हो, ठीक है। इसी तरह से 3 साल के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। डेरिवेशन याद नहीं रखना कि किस तरह से आया, खाली ये ध्यान रखना है कि भाई फॉर्मूला, बस फॉर्मूला हमें याद रहना चाहिए, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो प्रिंसिपल दे दे 10,000 और रेट दे दे, दो ही चीज़ दे दे, ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, और 2 साल के लिए अंतर पूछ ले। रेट अभी यहाँ, पहले तो हम लोग क्या करते थे, रेट हमें पता थी तो हम लोग प्रिंसिपल मान रहे थे, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा है तो हमें तुरंत क्या कर याद आना चाहिए, फॉर्मूला याद आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो सी आई टू माइनस एस आई टू कितना, पी आर बाई 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा 10,000 इंटू आर कितना है 10%, दो बार कितना गया 100, ठीक है ना। तो इस तरह से सॉल्व करना है कुछ बेसिक जो क्वेश्चन होंगे ना वो। चलो तो आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में फिर हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ठीक है, इसी से रिलेटेड, ठीक है ना, इसी से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।